हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में। एक बार आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिंगल रिइंफोर्स सेक्शन का WSM मेथड से। तो क्वेश्चन का गिवन है विथ ऑफ सेक्शन 250, डेप्थ ऑफ सेक्शन 400, क्लियर कवर ऑफ सेक्शन 25 mm, और इन्फोर्समेंट जो है 5 यूज हो रहा है 20 mm डाया का, और ग्रेड ऑफ स्टील है 250 और ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20। जब ग्रेड ऑफ स्टील 250 रहता है तब टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू 140 हो जाएगा, और जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है तो इसका तिहाई यानी फैक्टर सेफ्टी कितना हो जाएगा, 1/3 होता है, तो 1/20 का 1/3 7 हो जाएगा, यानी सिग्मा सीबीसी का वैल्यू M20 केस में 7 हो जाएगा। जब सिग्मा सीबीसी का वैल्यू पता चल गया तो मॉडुलर रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मॉडुलर रेशियो होता है 280/3 सिग्मा सीबीसी, तो 13.33 आ गया। अब हम लोग ये हो गया सेक्शन जिसका टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस का ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, इसका दूरी हो गया AX, ओवरऑल डेप्थ है 400, ब्रेथ हो गया 250। ये हो गया मेरा पाइप फाइव रेनफोर्समेंट जिसका एरिया हम लोग AST से डिनोट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये हम मैंने क्यों लिखा है। ये जो फॉर्मूला है इसका यूज हम लोग LSA में करते हैं, अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे। अभी जो हम लोग क्रिटिकल एक्सिस का जो डिस्टेंस एक्स है उसको हम लोग अभी फाइंड करेंगे मोमेंट एरिया के मेथड से, इस फार्मूला से नहीं, मोमेंट एरिया के मेथड से। तो मोमेंट एरिया देखते हैं, सबसे पहले इस सेक्शन का एरिया क्या होगा, ये हो गया एक्स और ये हो गया बी, तो बी इंटू एक्स एरिया हो गया, और मोमेंट के लिए उसके सी जी से दूरी लेते हैं तो ये हो गया सी जी, तो पूरा हो गया एक्स, तो सी जी हो जाएगा 1/2, तो एरिया इंटू 1/2, तो एरिया कितना हो गया बी एक्स इंटू 1/2 हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वहाँ से हम लोग मोमेंट लिए, टेकिंग मोमेंट बी एक्स इंटू 1/2, और ये हो गया AST का न्यूट्रल एक्सिस से दूरी कितना जगह, ओवरऑल इफेक्ट ओवरऑल डेप्थ है डी और इफेक्टिव डेप्थ हो गया स्मॉल डी, तो यहाँ से तक दूरी है स्मॉल डी और यहाँ तक दूरी है एक्स, तो यहाँ से दूरी कितना जगह D-X, तो एरिया इंटू D-X लिखेंगे, तो ये हो गया एरिया ऑफ स्टील इंटू D-X। अब सोच रहे होंगे एम से मल्टीप्लाई क्यों किए, ये तो हो गया स्टील का मोमेंट एरिया, और इसको हम लोग कंक्रीट की कंक्रीट में लाने के लिए हम लोग एम से यानी मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो कंक्रीट के केस में आ जाए, यानी सिंपल कंक्रीट के केस में लाने के लिए हम लोग मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया, समझ गए आप लोग। तो यहाँ से हम लोग बी के वैल्यू 250 पुट किए और एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखे, और एम के वैल्यू 13.33 लिखे, और एरिया ऑफ स्टील हम लोग कैलकुलेट किए 5 × 5 × 4 × 20 का होल स्क्वायर, तो आया 1570, और डी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए ओवरऑल डेप्थ 400 माइनस क्लियर कवर माइनस डायमीटर, डायमीटर कितना है 20 × 20/2 365 आ गया, तो वहाँ से आ गया इफेक्टिव डेप्थ, फिर आ गया एक्स, यहाँ से एक्स कैलकुलेट किए तो मेरे एक्स का वैल्यू आ गया 177.29। दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब हम लोग मोमेंट की मोमेंट फाइंड करेंगे। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हो गया फोर्स मेरा कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स। तो कंक्रीट का जब मोमेंट फाइंड करेंगे तो कंप्रेसिव फोर्स इंटू कंप्रेसिव फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे, तो यहाँ परपेंडिकुलर लेंथ की जगह हम लोग लीवर आर्म लेते हैं, तो हो जाएगा मोमेंट ड्यू टू कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्स गुने लीवर आर्म यानी सी इंटू जेड। तो सी का वैल्यू होता है सिग्मा सी बी सी बटा 2 गुने बी इंटू एक्स, और लीवर आर्म है D-X/3। तो वहाँ से बी का वैल्यू पुट किया और एक्स का वैल्यू फाइंड किया, पुट किए फिर सिग्मा सी बी सी का वैल्यू पुट किए 7/2, डी का वैल्यू कैलकुलेट किए 3/365, डी का वैल्यू 365 और एक्स का वैल्यू कैलकुलेट किए 177.29/3, तो वहाँ से M1 का वैल्यू हो गया 47.45 किलो न्यूटन मीटर, यानी M1 किसका आएगा, मोमेंट ड्यू टू कंक्रीट यानी मैक्सिमम कितना वो बियर कर सकता है। अब हम लोग निकालेंगे मोमेंट इन स्टील फेल्योर यानी कितना वो बियर कर सकता है, तो M2 का वैल्यू M2 हो जाएगा T इंटू जेड,
एंड द टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो टेंसाइल फोर्स होगा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, लीवर आर्म होगा डी माइनस एक्स बटा थ्री। तो सिग्मा एस टी की वैल्यू 140 होता है, 250 जब रहता है, फिर 250 के लिए सिग्मा एस टी की वैल्यू 140 और ये एफ एस टी 570, डी की वैल्यू 365 माइनस 177.29 बटा थ्री हो गया। तो एम टू की वैल्यू हो गया 67.23। अब हम लोग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे कंक्रीट का भी और स्टील का भी। अब हम लोग किसको हम लोग लेंगे एम का वैल्यू, तो जो मिनिमम रहेगा दोस्त हम लोग वही लेते हैं। तो मिनिमम किसका है, कंक्रीट का। तो इसीलिए हम लोग मोमेंट जो है कंक्रीट का मोमेंट एज्यूम कर लेंगे। तो कंक्रीट एम जो इफेक्टिव मोमेंट होगा वो 47.45 किलो न्यूटन होगा, यानी कि इतना यदि स्ट्रक्चर पर इतना से ज़्यादा मोमेंट क्रिएट होगा तो कंक्रीट पहले फेल कर जाएगा, उसके बाद स्टील फेल करेगा। और कंक्रीट पहले फेल करेगा इसका मतलब ये है कि कंक्रीट का जो उसमें कंटेंट है वो कम मात्रा में है और स्टील का कंटेंट ज़्यादा है, और स्टील का कंटेंट ज़्यादा है इसका मतलब कि ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है। यदि जानते अभी आप यदि जानना चाहते हैं कि ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है तो मेरा डब्ल्यू एस एम का फर्स्ट लेक्चर देखें, उसमें आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और आप लोग कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।